नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 63 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर, आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी और क्या मैं जेल जा सकता हूँ, कहीं फंसने के चांसेस लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, वो भी अगर दिख रहे हों तो बताइए। और बाकी आपको जो कुछ सही दिखता है गलत दिखता है वो भी बता दीजिए, ठीक है? वो भी देखेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। इनका मूलांक जो है 8 है। किसी व्यक्ति का मूलांक अगर 8 होता है तो उसका रूलिंग प्लेनेट शनि होता है। या तो ये बहुत आध्यात्मिक होते हैं या मेटरलिस्टिक अप्रोच के होते हैं। इन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। अधिकतर लोग इन्हें समझ ही नहीं पाते, गलती करते हैं समझने में। दोस्त बनने के बावजूद भी दोस्तों से अलग रहेंगे, अकेले रह जाते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। धर्म के प्रति कट्टरपंथी होते हैं। भाग्य का साथ मिल जाए तो पैसा बनाने में, मल्टीप्लाई करने में पीछे नहीं हटते हैं। पढ़ाई भी पूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, गुप्त विद्याओं का ज्ञान रखते हैं। मेडिकल, प्रिंटिंग प्रेस, कंप्यूटर, हार्डवेयर, लकड़ी, तेल, मशीनरी, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट, लोहे के काम में फ़ायदा होता है। अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, निराशाएं का सामना करना पड़ता है, अपमान सहने पड़ते हैं और देखने में कठोर लगते हैं लेकिन भावुक होते हैं, नरम स्वभाव के होते हैं। 7 नंबर और 6 नंबर इनके लिए अच्छा होता है। करना कुछ चाहते हैं, परिणाम कुछ निकलता है। ऊंचाइयों पर पहुँचते हैं, टिक नहीं पाते। चैलेंज बहुत एक्सेप्ट करते हैं। 8 अंक को 8 से बच के रहना चाहिए। हमेशा सफ़ेद रंग, सफ़ेद कागज़ पर नीले रंग से 24 लिखें, उस कागज़ को मोड़े मत। जहाँ पर भी आप काम करते हैं, पर्स में, कहीं पर, 24 अंक आपके लिए अच्छा है। नकारात्मक ऊर्जा को वो पॉजिटिविटी में ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है? घर भी लो, कार लो, कोई भी चीज़ लो, 24 अंक उसका जरूर होना चाहिए, ठीक है? ये तो रहा इनके मूलांक। अब देखो बात आती है चीज़ों को समझने की कि हाथ क्या कहना चाह रहा है। देखो ये रेखाएं चल रही हैं, हाँ तरक्की की रेखाएं हैं, हाँ अच्छी बात है। ये एक चल रही है, हाँ ये भी अच्छी बात है। ये एक सूर्य रेखा है, ठीक है? हाँ थोड़ी सी दिखते तो हैं बट, लेकिन एनीवे ये अगर टेढ़ी है, ये टेढ़ी है और इसे कोई रेखा काट देती है तो सूर्य डिस्टर्ब रहता है। स्थाई रेखा है, जी हाँ बिल्कुल स्थाई रेखा है, ठीक है जी। अच्छा आगे गुरु अच्छा है, हाँ गुरु अच्छा है, कोई टेंशन है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं दिख रही। इसी तरीके से तो पाम रीडर करता है, क्या इसका मतलब मालूम है? ये नहीं मालूम इस रेखा ने, इस ये रेखा यूं आ जाए या यूं मुड़ जाए, ये फायदा भी कराती है नुकसान भी कराती है, ये फायदा भी कराएगी नुकसान भी कराएगी। जिसके हाथ में ऐसी रेखा बन जाए, ठीक है, कभी कभी क्या बनता है, इसी का एक फॉर्मेशन बनता है, यहाँ से ऐसे बन जाती है, ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ ऐसे बन जाती है। इनकी क्या बनी, इनकी ऐसे बनकर ऐसे बन गई, पीछे से घूमकर ये रेखा आ गई। ढूंढते रहो इन चीज़ों को, ढूंढते रहो, नहीं मिलेगी। मैं एक और हाथ दिखाता हूँ इस फॉर्मेशन से मिलता जुलता, फिर दोनों का मतलब समझा दूंगा। देखो ये है ना, ये यहाँ से गई, इस रेखा ने इस रेखा को निकाला, यहाँ से ये घूम के गई, ये यहाँ चली और इस रेखा के साथ एक कनेक्शन बना दिया। ये क्या करवाती है पता है? ये आपको प्रॉपर्टी भी दिलवाएगी प्लस पुश्तैनी, यानी पुश्तैनी का मतलब आपकी लाइफ में माँ से बाप से, लेकिन लड़ाई भी करवाती है, लड़ाई भी करवाएगी, ऐसी सर्कमस्टांसेस ला देगी आपकी लाइफ में कि आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और मैं इस घर से अब मेरा दाना पानी निकल गया। बताओ, यानी ये रेखाएं क्या होती है, एक और हाथ दिखाता हूँ क्या होता है, समझा देता हूँ। जब ये रेखा पीछे से आती है ना, ये रेखा ने इस रेखा के साथ टच करना था, इस रेखा के साथ टच कर, ये कर नहीं पा रही थी तो क्या करा,
यहाँ से एक घूम के आई, ये क्या बन गई, लग्जरी लाइन की रेखा बनी। अब इसने इसका सहारा लिया, ये सहारा से क्या है, इनको प्रॉपर्टी मिलनी थी, लेकिन इस रेखा से यहाँ पर राहु रेखा आ जाती। हमेशा देखना यही फार्मूला मिलेगा। अब ये वाला हाथ देखा, इन व्यक्ति को भी पहले घर से निकाला गया, इनके बिजनेस में नुकसान पहुंचाया गया माँ की तरफ से इनको नुकसान पहुंचाया गया, बाप की तरफ से नहीं। इसमें कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स में माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर पहले निकाला गया, देन वापस आए वही प्रॉपर्टी इनके नाम पर कर दी, बताओ वही कर दी। अब देखो इनके साथ क्या है? ये देखो पाम रीडर ना क्या करता है, सब चीजें छुपा लेते हैं, उन्हें खुद नहीं पता ना। ये देखो ये लिंक, इस पतली सी रेखा का लिंक देखो, देख रहे हो, ये लिंक निकाला, इसका ये निकाला, इसका ये निकाला, इसका ये निकाला, ये है 29वां साल, यहाँ पर ये नीचे। कहीं ना कहीं चीजों को आप अगर नहीं समझोगे, नहीं समझ सकते। इनके लाइफ में मैंने लिख दिया था गुड और बैड, इस चीज को मैंने लिखा, ये चीज जो बैड हुई है गुड में चेंज होगी। ये अलग हुए थे अपनी फैमिली से और 31 में वापस आ गए, क्यों? क्योंकि इस रेखा ने यहां पर इसका लिंक निकाला है। ये समझ, ये अगर किसी को चीजें समझ आ जाए ना, पामिस्ट्री समझ आ जाएगी, ये रेखा क्यों आई, ये रेखा यहां से क्यों स्ट्रांग है, ये देख लो आप, यहीं से क्यों स्ट्रांग है। मैंने कनेक्शन निकाल रखा है, मैंने कहा कि यस गुड एंड बैड। पूछा सर वो मैं घर से निकल गया था, ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा ना, यहाँ पहुँचा तो मैंने कह दिया कि आपको एक प्रॉपर्टी जो है वो मिल गई होगी। जी हाँ, मुझे वो प्रॉपर्टी मिल गई है, वो प्रॉपर्टी मुझे पुश्तैनी मिल चुकी है 63 साल। तो ये कैसे पकड़ते हो, ये आपको क्या बॉक्स लगते हैं? बॉक्स का मतलब यहाँ पकड़ सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर जा रही है, क्या चीजें कहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए, दिमाग। फार्मूले याद है, अरे भाई ये रेखा यहाँ से घूम रही है, ये घूमती है रेखा तो क्या होता है, ये तो गलत साइन होता है, ये वाली यहाँ पर जाकर इस रेखा को पकड़ लो, इस रेखा को पकड़ते हुए अरे भाई ये तो एक यहाँ पर जाकर इस बॉक्स पे जाकर मिल रही है, इट मीन्स यहाँ पर तो इनके प्लस पॉइंट है। पता नहीं लगता पाम रीडर को, इन चीजों में खो जाते हैं, समझ नहीं। वो तो कहते हैं बेकार की रेखाएं हैं ये कुछ नहीं, लग्जरी लाइन है, लग्जरी लाइन है, लग्जरी लाइन। जिंदगी क्या जीने का तरीका, जो जिंदगी जी है यहां से पता लगता है। पकड़ो एक एक बात को, पकड़ो पाम रीडर बनना है, फॉर्मूले पता ही नहीं तो पकड़ोगे कैसे, ठीक है। अब और क्या कहता है हाथ, समझना। ये यहाँ पर एक स्टार बना है, ये देखो ये आप क्या कहोगे, इन्हें ये प्रॉपर्टी मिली है तो ये स्टार की वजह से मिली? अरे किसी को घर से निकाल दिया गया हो, मुसीबतों के साथ वो अपनी जिंदगी, आप क्या लाइफ में एक डिसीजन लिया होगा और आप इसे कह रहे हो कि इनको प्रॉपर्टी मिलेगी। अरे वो प्रॉपर्टी जब तक ये लाइन वहां नहीं जा रही, उस बॉक्स में नहीं जाएगी, मिल नहीं सकती है। ये कठिनाइयों की चीजें होती है। मंगल यहां से रेखा जो निकलती है ये फैमिली को बताती है, फैमिली को डिस्टरबेंस को बताती है। पूछ के देखो, कोई जितना मर्जी अच्छे बन ले, इनको दुख मिलना ही मिलना है। रेखाएं इस तरीके से चल रही है, एक एक रेखा के टचिंग, मैंने ये भी पकड़ी है टचिंग। ये देखो यहाँ से भाई इसका क्या कनेक्शन है, इसका क्या कनेक्शन है, ये रेखा यहाँ जा रही है, अच्छा इसके साथ एक और कनेक्शन, अच्छा, वो अच्छा ये वापस आ चुकी है अपने घर में यहाँ पर, अच्छा ये यहाँ घर पे आकर इन्होंने इस घर में एंटर कर लिया है, ये यहाँ से आकर ये उम्र निकाल लो, अच्छा यहाँ से यहाँ तक उन्होंने निकाल ली मैंने उम्र, अच्छा ये कहीं 58 साल 1 महीने की तो नहीं लग रही। हाँ ये रेखा क्यों सेटलमेंट को कहती है, अब कहाँ पर सेटलमेंट हो रहा है भाई, कहाँ सेटलमेंट हो रहा है, पता ही है सेटलमेंट की रेखा है। विदेश को ही सेटलमेंट कहते हो क्या,
बुढ़ापे में क्या चीज़ें, कोई आदमी मकान चेंज करके कहीं और जाता है, वो सेट हो जाता है, तो वो नहीं होता, कोई गांव में जाके सेट हो जाता है, कहीं कहीं कुछ हो जाता है, कोई चेंज करता है, और इसने इस बॉक्स में जाकर अपनी सांस ले ली। हाँ, अब मैं ये देखो क्या समझो गया है, और देखो इसी रेखा के साथ इसका लिंक बना दिया, इसी रेखा के। अरे भाई, एक तो घर मिला और एक पीछे से पुश्तैनी वाला ये लेकर ये बन गया, क्या समझोगे आप? ये देखो ना, ये कनेक्शन तैयार है या नहीं है? नहीं समझ सकते, ये तो पामिस्ट्री हिलर ही समझेगा। ठीक है, तो आपको ये बता रहा था कि या तो ऐसे घूम जाए, या एक रेखा ऐसे आ जाए, या ऐसे आ जाए, पर लेकिन बीच में एक राहु रेखा जरूर जाए। ठीक है, अब वो यहां पर क्या था कि राहु रेखा ने क्या करा कि ज्यादा नुकसान नहीं कराना था, तो क्या करा, उनका क्या था, उनका बिजनेस भी छीन लिया गया था, उन व्यक्ति का, उनको घर से भी निकाल दिया गया था माँ के द्वारा। तो वो वहां पर वो राहु रेखा पूरी करी, और यहां पर इनको ऐसा नहीं करना था बिजनेस बिजनेस में, ये केवल यहीं तक करना था, इसके बाद ये टच करी और इसके बाद वो राहु रेखा निकल गई। एनीवे, अब शुरू करते हैं चीजों को। देखो ये ऑफशूट चल रहा है, ठीक है, आप कहते हो तरक्की करता है आदमी, जिंदगी में तरक्की करता है, पीछे से एक रेखा आई थी, उसी रेखा ने यहाँ पर स्टार बनाया, यानी ये 20वां साल स्ट्रगल का शुरू हो चुका है, 20वां साल स्ट्रगल का शुरू हो चुका है, 21 चला, 22 चला, जैसे ही 23 आया, यहां से इस रेखा ने इसको टच करने की कोशिश करी। हाँ, कर रही है इस रेखा के साथ, यहां पर यहां जाने की कोई, ये भी तो भाग्य रेखा है। हाँ सर, ये तो भाग्य रेखा है, यानी यहां पर इनको नौकरी मिली होगी, और उसके साथ देखो ये ऑफशूट ने टच कर दिया, अगर ये यहां पर नहीं भी टच हो रही, मान लो नौकरी मिल जाएगी, मान लो बिजनेस चल जाएगा। लेकिन अब इसके साथ एक और रेखा ने यहां पर इसकी स्ट्रांगनेस दिखा दी, यहां पर इसने दिखा दी, तो मैंने कहा 23 में जॉब, 24 में अच्छा आपकी लाइफ में होना शुरू हो गया। हाँ जी सर, ये जो है मेरी लाइफ में 24-23 से नौकरी लगी, 24 से और अच्छी हुई, और फिर उसके बाद लाइफ में हमारी जो थी वो चलने लग गई 27 साल अच्छा रहा, 27 साल अच्छा रहा, 27 साल क्यों अच्छा रहा, 28 भी अच्छा रहा, 29 भी अच्छा रहा। अब क्यों मैंने 29 अच्छा और बुरा कहा, 29 मैंने अच्छा और बुरा क्यों कहा? अब देखो ध्यान से समझना कि ये सारी चीजें क्या चल रही, वो मैं समझाता हूँ आपको क्लोजअप में। देखो पहले इस चीज को समझते हैं क्लोजअप में, इस चीज को देखो। अभी मेरे ख्याल से विवाह रेखाओं का वीडियो आ चुके हैं आपके पास, ठीक है, तीसरा पार्ट भी आ चुका है, तो उसमें मैंने क्या बताया है कि एक कंपेटेबिलिटी होती है हमारी, इस जीवन रेखा पर कोई रेखा आकर टच करती है तो उसकी योग्यता कंफर्मेशन हो जाती है, फिर एक रेखा जो है माइंड लाइन पर टच हो जाती है। अब ये यहां से होनी चाहिए थी ऐसे करके। अब देखो क्या है, लाइफ है, यहां पर ये रेखा चली, यहां से ये चली, ये अब ये रेखा ने क्या करा, इनकी लाइफ में शादी का कंसर्न तैयार कर दिया, जॉब का कंसर्न तैयार करवा दिया, उसके बाद से इस ऑफशूट ने स्ट्रांगनेस दिखाई, तरक्की होनी शुरू हो गई। ठीक है, जैसे जैसे हम बढ़े, यहाँ बढ़ते जा रहे, ये बढ़ते जा रहे, ये बढ़ते जा रहे, ये बढ़ते जा रहे, यहाँ पहुंचे नहीं, और वो रेखा ने 29 साल वाली ने अपना काम करना शुरू करा दिया, कर दिया इन्होंने। अब देखो यहां पर ये करा, ये यहां से अपने घर से छोड़ के चले गए थे, अब इस रेखा ने बचा लिया, इस रेखा ने बचा लिया, ये देखो एक यह ऊपर से रेखा, ये बैकअप की रेखा आ गई, आ गई नहीं आ गई, और अगर कोई क्यूसी डिपार्टमेंट कहे कि गलती है तो उसने इसको भी टच कर दिया, और इस रेखा ने इसको टच कर दिया कि अगर छोटी मोटी गलतियां हैं उसे सुधारा जाए। जी हाँ, हम वापस आ गए थे, और ये देखो
ये पतली सी रेखा इस रेखा से टच थी, है। तो 31 में इनकी लाइफ में ये मैंने कहा कि पॉजिटिविटी आई और अच्छा होना शुरू हो गया। मैंने जैसे ही यहां पहुंचा मैंने कह दिया भैया, क्योंकि इसका कंसर्न अब इसके साथ हो गया है और ये रेखा टच मान ली जाएगी, ये रेखा अब इससे टच मान ली जाएगी, क्यों, क्योंकि पतली रेखा यहां भी आई हुई है। मैंने कहा बाइंग करी होगी जी आपने कोई चीज? हाँ, मैंने मैंने कहा 33-34 में, हाँ एक प्लॉट खरीदा था जी, बिल्कुल अच्छी बात है। और यहाँ से लेकर ये टाइम पीरियड आपका अच्छा गया, ये अच्छा गया। अब देखो समझो आप हर चीज़ को कैसे चीज़ों को देखते हो, देखते हो। अब इसके आगे की बात नहीं मालूम आप, फार्मूले मेरे याद रखो, एक रेखा ऐसे आई है, एक रेखा ऐसे आई है और ये रेखा यहाँ से निकली, ये कहती है गुरुत्व भार। मैंने इसकी कैलकुलेशन निकाल, बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ मैं चीज़ों को, बहुत आसान तरीके से। तो मैंने कहा सर ये 34 है और ये है आपका 38 साल, 38 साल के पास आपके गुरुत्व भार बढ़ने लग गया होगा, माँ की जिम्मेदारी, बाप की जिम्मेदारी, भाई की जिम्मेदारी, ये वो सब कुछ सारी चीज़ें करते करते आपके टेंशनें पूरी आनी शुरू हो गई होगी। हाँ सर यही सारी चीज़ें ये रेखा ने कराना शुरू कर दिया, अब इस रेखा को पकड़ लिया मैंने और अब समझो कि अब क्या चलेगा इनकी लाइफ में। अब समझो ये जो बनाई गई होती है ना पतली पतली रेखाएं, ये ऐसे ही नहीं चलती, ये उन पाम रीडर के लिए है जो राहु रेखा और माउंट बस और उस पर माउंट पर चिन्ह को खोजते हैं, बस केमिस्ट्री हीलर नहीं ये सब करते, वो नहीं करते। यहाँ से मैंने चीज़ें देखा कि यार भाई ये तो इनकी लाइफ में यहाँ से प्रॉब्लम ये शुरू हो रही है और ये एक यहाँ पर जा रही है, एक पतली सी रेखा ये और एक ये, अब तो गड़बड़े शुरू हो जाएगी इनकी लाइफ में, अब गड़बड़ शुरू हो जाएगी, वो भी समझाऊंगा। अब सबसे पहले लाइफ में हम बात करते हैं 38 और 39 साल में, 38 और 39 साल में। अब देखो समझो हमने क्यों कहा 38 साल से चीज़ें जो हैं, ये देखो 38 ये घूम के गई 39। अब इसने क्या करा, इसका लिंक ले रखा है इस चीज का, इस चीज का लिंक ले रखा है। अब इनको समझो ये एरिया कहलाता क्या, ये एरिया कहलाता है हमारा भद्र रेखाओं का, बंधुओं का, दोस्त का, ये वो रेखाएं होती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं रिश्तेदारों से, भाइयों से, सबसे नुकसान पहुंचाती। अब हमने मैंने कहा कि भाई ये रेखा ने पहले इनको राहु रेखा का पार्ट लिया, ये तो आगे जाकर इनके प्लस पॉइंट पे चल रही है, वो तो देख लिया, पर इस रेखा से कोई भी रेखा टच हो गई तो इसका मतलब यहाँ पर कोई नुकसान इनको होना होना है, ये रेखाएं नुकसान के लिए बैठी हैं, ये कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहेंगे, कुछ ना कुछ पैसा किसी को देना चाहेंगे और वो फंस जाएगा। 39वां साल ये रेखा ने फंसा। अब देखो आप इस रेखा को अगर आप राहु रेखा के नाम से जानो कि ये नुकसान पहुंचाने के लिए आई है तो फिर आप कच्चे खिलाड़ी, क्योंकि आपने पकड़ा ही नहीं कि किस रेखा के कारण। मैंने कहा बंधुओं के कारण, दोस्त, रिश्तेदार, जी हाँ दोस्त था, ये बात कैसे पता लगी, इनसे पता लगे। और वही रेखाएं यहां आकर इन बॉक्स पे जा रही हैं। मैंने कहा आप इतना पैसों का लॉस हुआ है कि लोग मकान बना सकते थे उस पैसों से और आपने इतना लॉस किया, जी हाँ इतना ही लॉस हुआ है कि मैं एक अच्छा खासा अच्छे स्टेट में अपना घर ले सकता था, उतने नुकसान, क्या कहूँ, ये घर की रेखाएं होती हैं। अरे राहु रेखा ने किसका पार्ट चल रहा है, क्या नुकसान करा रही है, ये पकड़ने का टैलेंट भी तो होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ कुछ हाथ होते हैं, कुछ एक्चुअल में क्या होता है, हाथ मैं इसे बहुत सिंपल हाथ मानता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें रेखाएं बड़े प्यार ढंग से दिखा रही हैं कि कैसे कैसे नुकसान होगा, कैसे कैसे सारी चीज़ें। 39 साल में
ठीक है जी। अब 42 से 47 में फिर लॉस। अब वो लॉस कैसे पकड़े, वो लॉस कैसे पकड़े। देखो ये रेखा यहां पर आकर क्या हुआ, स्टॉप हो गई, स्टॉप हो चुकी है ना। अब पतली रेखा क्यों चली है इसके पीछे, और इसने बिजनेस की ओर क्यों जाना शुरू करा, इस रेखा ने बिजनेस की ओर क्यों जाना शुरू कर दिया। अब समझो कि अब यहां पर क्या चलेगा, ये तो गड़बड़ है। 42 से 47 पे लॉस लिख दिया, 49 पे लॉस लिख दिया, यहां पर, यहां 47 से 50 में कोई काम शुरू करा। देखते रहो मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो इन रेखाओं को पकड़ रहा हूं। मैं यहां पर क्यों देखूं, अब क्यों देखूं, मैं तो यहां से देखूंगा, मैं तो अब यहां से पढ़ूंगा। मैंने यहीं से पकड़ लिया, मैंने कहा ये तो ट्रायंगल बना के बैठी है, ये तो सत्यानाश हो जाएगा, काम शुरू करो। चेन्नई में सर ऐसे ही हुआ, ठीक है जी। चीजें सामने रखी होती हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हो क्या। अब और समझो, अब ये रेखा मैं कैसे पकड़ता हूं, कौन सी रेखा ऊपर चढ़ने वाली है, कौन सी नीचे चढ़ने वाली है। ये बहुत आसान है भाई, ये यहाँ आके पतली हो रही है, यहाँ से गिरती हुई रेखा है, ये गिरती हुई रेखा है, ठीक है। ये क्या कर रही है, यहाँ से गई, यहाँ पतली हो रही है, ठीक है। आप समझ जाओ कहाँ से पतली है कहाँ से मोटी है, ये गिरती है उठती है। अब आराम से बता दो ये लाभ होगा हानि होगी, लाभ होगा हानि होगी, सब ये अगर चाल किसी को समझ आ जाए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ जाएगा पामिस्ट्री। देखना इस रेखा ने, इस रेखा के अंदर मैंने इसकी कैलकुलेशन निकाली 53, ठीक है। 53 से फिर मैं यहाँ पर चला, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक चला, मैंने कहा यार ये तो 53 का है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये यहाँ पर आए हुए हैं कि नौकरी कर रहे हों और नौकरी से आदमी कहीं शिफ्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है, कुछ होता है, ठीक है। ये सारी परिस्थितियाँ यहाँ से इस रेखा ने बता दी, आपका जीवन ये डार्क बना दिया, अभी कुछ प्लस माइनस चलता रहेगा इनकी लाइफ में। हाँ जी 53 से अपनी लाइफ, ये एक रेखा यहाँ पर, इस रेखा से यहाँ पर कनेक्टिविटी सब तैयार पड़ी पड़ी है। फिर मैं बीच में आया, मैंने कहा 53 से आप आए, चलो जी। अब इसमें 58 में आपके साथ क्या हुआ था जी, आप 58 में, हाँ वो मैं अपना जो घर जो था ना, मैं उसमें शिफ्ट हो गया था जी, ठीक है। ये कनेक्शन वहाँ पे चला गया, ठीक। अच्छा अब उसके बाद फिर ये कनेक्शन इस पे टच हुआ, ये रेखा, मैंने कहा प्रॉपर्टी, जी हाँ वो 63 वाली पुश्तैनी वाली हो गई। मैंने कहा जी अब आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, 67 से 75 यात्राएं यात्राएं यात्राएं। उसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ से रेखा निकल जाती है, यहाँ से रेखा निकल जाती है, बड़ी जाता बड़ी ये हो जाती है रेखा, ऐसे करके ऐसे तो विदेश चला जाता है, समझ रहे हो। देखो चीज़ें हैं, फार्मूले हैं, मेरे आने तो वीडियो डिटेल में समझाया हुआ है, ये जो सब कुछ मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, ये सब कुछ उन्हीं रेखाओं में उन्हीं वीडियो में है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई पार्शलिटी नहीं करी, कोई छुपाया नहीं कि क्या है, सबको ज्ञान दे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी सर वो एक चीज़ रह गई सर, वो केस वाली चीज़ रह गई, वो एक केस जो था कि कोई पुलिस केस या कुछ ऐसी चीज़ें। चल लेफ्ट हैंड पे चलते, देखो पहले अच्छे साइन को समझते हैं, अच्छे साइन के, ये रेखा ऐसे गई, ये रेखा ऐसे गई, ये अच्छा साइन है, बहुत बढ़िया साइन है सर ये तो, ठीक है। अब एक और अच्छा साइन, ये रेखा ऐसे चली गई, ठीक है। ये क्या है सर, ये बड़ा अच्छा साइन है सर, इस रेखा ने इस रेखा के साथ। अब समझो
अब क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये तरक्की की रेखा, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया। ओह ये तो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ये क्या है, ये नुकसान की रेखाएं हैं। कितना नुकसान, जितनी तरक्की करेंगे उसका ये 50%। क्या कहा था, यहाँ बॉक्स बने हैं कि जितना घर का आप खरीद सकते थे उतने लॉसेस। हाँ सर, अच्छा अब आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया, किसको भूल गए आप, इसको भूल गए आप, यहाँ इसको ट्रायंगल देख लिया, बीच में जो कट हो रहा है, फिर आपने कहा चलो जी ये छोटा सा ट्रायंगल तो बना ही दे, क्योंकि आपको कूड़े बीनने की आदत है। ये ट्रायंगल्स नहीं होते, ये ट्रायंगल इसकी इसकी डेफिनेशन ट्रायंगल्स की है ही नहीं। अगर ये ट्रायंगल अगर होने लग गए बहुत कुछ कर लोगे। अब मुद्दा क्या था कि हमें ये देखना था कि कौन सी ऐसी रेखा है जो इस रेखा का मतलब क्या है। इस रेखा का मतलब है अगर ये रेखा यहाँ आकर बंद हो जाती तब मैं कहता कि आप पुलिस केस में फंस सकते हो। अब फंसने के चांसेस में क्यों, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। ये रेखा अगर यहाँ पर आकर ऐसे चलती, यहाँ पर ऐसे और ऐसे बनती, तब मैं कहता कि पुलिस केस में फंस सकते हो, जेल में जा सकते हो। अब क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो बच जाओगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो बच जाओगे। ये रेखाएं लड़ाई झगड़े टेंशन ये सब देंगे, फंसा देंगे। फार्मूला वही है। अब ये सब रेखाएं यहां क्यों टच कर रही हैं, क्योंकि ये क्या है, कंठक रेखा बन गई है, कंठक रेखाएं बन गई। तो ये नुकसान तो पचाती है, बिजनेस में भी नुकसान हो रहा है, नौकरी जब तक चल रही थी सारी चीज़ें, जहाँ अपने ऊपर सिर पे अपना डालना शुरू करा वहाँ पर मुसीबतें मुसीबतें आनी शुरू हो गई। लेकिन होगा कुछ नहीं, अगर लेन देन से सारी चीज़ें निपट सकती हैं निपटा लीजिए, ठीक है। हल्का सा स्लोपीनेस में आ रहा है गुरु, जो है ये बाल झड़ना, गंजा हो जाना, थायराइड हो जाना, ठीक है, फैटी लिवर हो जाना, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करती हैं रेखाएं, ठीक है। अब क्या है, दूसरा क्या है, इनकी इनकी लाइफ में ये थोड़ा सा गड्ढा भी हुआ हुआ है सूर्य के पास। अच्छी रेखा है, बहुत बढ़िया रेखा है, पैसा भी है, सब कुछ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी सूर्य दबा हुआ है, परेशानियाँ लेके आएगा। बीमारी में आपको जोड़ों की दर्द, इनकी प्रॉब्लम रह सकती है, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना। बाकी पैसों के मामले में कोई कोई दिक्कत नहीं, और रही बात सेहत की, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। रही बात ये फॉर्मेशन की, इस फॉर्मेशन की भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छे बच्चे होंगे आप, अच्छी जगह जाएंगे, कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, और आप भी अगर जाना चाहो विदेश चले जाइएगा, ये लेके चले जाएंगे, इन्हीं के थ्रू बनेगा। पर लेकिन एक्सपेक्टेशन इनसे मत रखिएगा, क्योंकि आपकी रेखाएं जो घूम कर अगर जैसे गई थी ना, जिस तरीके से यहाँ पर बनती नहीं है किसी से भी, खाली कर देंगे आप, रिश्तेदार हो सब कुछ हो, सूर्य पर्वत पर जाने की जरूरत ही नहीं उस वक्त। अगर वो रेखा बने, कह दो सब कुछ रिश्तेदारों से बनेगी नहीं, दोस्तों से नहीं बनेगी, आप अच्छा करोगे बुरा मिलेगा, मूलांक 8 बिल्कुल सेट हो जाता है उस जगह उस आदमी पे। रोता है अपनी लाइफ में, मैं तो एक जेन्युइन बंदा हूँ, मैं सबकी भला करने वाला हूँ, मेरे साथ भला क्यों नहीं होता, भगवान से प्रार्थना करता हुआ मिलता है, भगवान मेरे में गलती बता क्या है, मैं तो इसके लिए भलाई करी थी, उल्टा मुझे गलत कहता है। वो रेखा जिसने समझ आ जाएगी उसे सब कुछ आ जाएगा। इसलिए धीरे धीरे आप सीखो इन चीज़ों को, ये प्रोफिशिएंसी की बात है और कुछ नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो क्या कहेगा, सर ये वाला अगर हाथ दे, सर एक ही राहु रेखा काट रही है, बाकी तो इनकी लाइफ में कोई कुछ हुआ ही नहीं। एनालिसिस गलत गलत। यहाँ पर आप देखो ध्यान से समझो, क्या कोई रेखा पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर कि कब कब क्या क्या प्रॉब्लम चली, कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं, डार्क सर्कल यहाँ गोलमोल कर जाएगा,
पाम रीडर नहीं बता पाएगा, लेकिन नीचे की इंफॉर्मेशंस को देखो, यात्रा रेखा बनी हुई है, सब कुछ बनी है, ये रेखाएं अंदर गई हुई हैं और क्या बताती हैं, घर घर के काम, जिम्मेदारियां, इधर उधर, बस उसी की तरफ तो लगे हुए। हेल्थ हेल्थ लाइन ठीक चल रही है, कोई उसमें परेशानी नहीं, फिर इसे चेक कर लो। हाँ सर, थोड़ी बहुत तो परेशानी लग रही है। हाँ हाँ लग रही है, मैं कह रहा हूँ लग रही है। ये देखो, अब ध्यान से समझना, ये एक रेखा आई यहाँ पर, ये जो डॉट बने हैं ना, इन डॉट को बस देखते रहना, ये ज़्यादा डार्क डार्क ना हो, और वो डार्क ये जो बने हुए हैं, कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, पर लेकिन ये काले धब्बे पड़ जाएंगे तब होगा। वैसे पड़ेंगे नहीं, इतना भी मुझे कन्फर्म्ड है, नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हाथ स्ट्रांग है, देख रहे हो आप, ये हाथ स्ट्रांग है, मंगल स्ट्रांग है इनका, चंद्र इनका स्ट्रांग है, और यहाँ पर ये एक हल्का सा एक निशान अगर यूं हो जाता है लोगों के लिए, भाइयों के लिए, याद रखिए मैं चंद्र का स्थान पर चंद्र का निशान क्या करता है। मेरा एक वीडियो आ रहा है चंद्र पर्वत पर, तो आपको उसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी, सब कुछ मेंशन किया हुआ है, आपको वहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन कौन सी रेखाएं अगर चलती हैं तो वो क्या 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 नुकसान देती हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी होती हैं लाइफ में। देखो मैंने उस वीडियो में क्या समझाया है कि अगर कोई रेखा ऐसे बन जाती तो ये आदमी शास्त्र पर निपुण होता है, ठीक है। अगर ये वाली रेखा है तो ये अपना चंद्र है, ये उसको अच्छे बोलने की कला में माहिर करवाता है, ठीक है। और अगर उसके पीछे ये उल्टा बन जाता है तो ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी ना, वहाँ पर वीडियो में मैंने बताया है कि गलत उपासक होते हैं या गलत चीज़ों में फंस सकते हैं। देखो गलत वर्ड आया ना, उपासक भी गलत बन जाएगा, रिद्धि सिद्धि भी गलत आएगी, जादू टोना ये वो, लेकिन गलत वर्ड पहले लगेगा, क्यों, क्योंकि अब इसके साथ आ गया तो यहाँ पर बहस आए, बहस में ज़्यादा लग जाएंगे, आप समझ रहे। तो ये इन चीज़ों को समझना, जितने हाथ देखने शुरू करोगे ना, आप समझना शुरू कर दोगे चीज़ें क्या बनी होंगी, ये साइन क्या बनेंगे, इनको कैसे हम उनकी भावनाओं को बताएं। तो मैंने कहा कि जहाँ चार जने खड़े हो मत खड़े हो ना, फंस जाओगे, ये रेखा फंसा देगी आप, ठीक है। यहाँ पर लगातार एक दो तीन ऐसे रेखाएं बन जाए, ये क्या है, आदतों को बताती है, एक ही काम बार बार करना, बहुत बोलना, बहस करवाना, ये भी वही चीजें हैं। और आप सोचते हो कि क्यों, क्योंकि आदतों को बता रही है ना, ये लगातार बहस करना शुरू कर देगा व्यक्ति, बोलेगा बहुत। तो चीज़ों को समझो कि किस वाले एरिया पर ये चीज़ें आई हुई हैं, उसके हिसाब से बोलना शुरू कर दो। एनीवे कोई आगे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उपाय में अगर आप लेना चाहो, वैसे मैं प्रेफरेंस तो नहीं दे रहा आपको कि मेजर पर, लेकिन गुरु का उपाय थोड़ा सा और इन रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक वो और एक मंगल, ठीक है, इन दोनों के उपाय आप कर लीजिए, ये मेरे से ले लीजिएगा। अगर इसका मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेखा है और मैं आपको वैसे भी बता चुका हूँ आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो एनीवे अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद, और बाकी आपकी लाइफ स्मूथ रहेगी, ठीक है।